हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग, वेलकम टू माय चैनल सपना वस ब्लॉग। और शाम का है टाइम, हम निकल पड़े हैं बाबा नीम करौली के मंदिर की तरफ। और आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर व्यू है क्योंकि तो बारिश काफ़ी हो रही है। अभी थोड़ी सी बारिश रुकी है तो फिर हमने सोचा फटाफट बाबा के दर्शन करें। आप देख सकते हैं, मैं आपको व्यू दिखाती हूँ पहले। देखिए बिल्कुल बादल, देखिए बिल्कुल नीचे आए हुए हैं। काफी देर से काफी बारिश हुई है यहाँ पे और मौसम बहुत ही ठंडा, बहुत ही सुहाना है। ये कुछ दुकानें हैं इधर प्रसाद की, इधर रहने के लिए गेस्ट हाउस वगैरह भी बने हुए हैं। हमारे होटल से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही बना हुआ है, इधर पिज़्ज़ा वगैरह भी आप खा सकते हैं। कोने में तो चल रहे हैं, वो देखिए मंदिर बाबा नीम करौली वाले कैची धाम, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर। बारिश हुई दर्शन करिए सभी लोग, और बहुत ही मानता है यहाँ की, बहुत सी कहानियाँ हैं जो अब यह बंदर चलते हैं। तो ये आप नीचे देख रहे हैं इधर के नीचे शिप्रा नदी बह रही है और ये सामने पुल है, इसके ऊपर से हमें मंदिर में एंट्री उतर कर रही हैं। आरती शुरू हो गई है, इस समय शाम के 6 बज चुके हैं तो हमें दर्शन अच्छे से हो जाएंगे। मंदिर में तो कैमरा अलाउड होगा नहीं, इसीलिए जहाँ तक होगा आपको मैं लेके चलती हूँ। बारिश का मौसम है, बुटे खाइए, व्यू है सबसे बढ़िया। तो मंडे का दिन है इसलिए रश कम है, कल ट्यूसडे होगा तो कल तो बहुत ही रश होगा। इधर पास में दुकानें बनी हुई हैं, मंदिर के अंदर से भी प्रसाद की दुकानें हैं। इधर हम प्रसाद वगैरह ले रहे हैं, लड्डू का प्रसाद है। कम्बल भी सब बाबा के यहाँ चढ़ाए जाते हैं। तो गाइस हमने एंट्री कर रही है, शिप्रा नदी इतनी तेजी से बह रही है। शिप्रा नदी के पुल पे से ही आपको मंदिर के अंदर एंट्री करनी है। जय बाबा की, जय बाबा नीम करौली कैची धाम। मंदिर के बगल में रहो, जूते चप्पल यहीं निकाल दो बाहर, यहाँ पे स्टैंड बना हुआ ना। अरे जल्दी आओ, जल्दी आप जाएगी या नहीं? अरे आ रहे हैं ना,
बाहर 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 कर दो गिराने दे सुन जय बाबा की गाइस अलाउड नहीं है कैमरा बंद करना पड़ेगा गाइस मंदिर से आ चुके हैं प्रसाद ले आए हैं दर्शन कर लिए हैं आरती हो चुकी है बाबा नीम बोली वाले बाबा को बहुत अच्छे से दर्शन करें कैच नाम अंदर वीडियो अलाउड नहीं है आप अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आपको श्री माता वैष्णो देवी जी का मंदिर मिलेगा उसके आगे उसके आगे आपको श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर मिलेगा उसके आगे बालाजी का मंदिर मिलेगा आगे आप जाएंगे तो आगे आपको बाबा नीमकोली वाले बाबा जी का स्थान मिलेगा जहाँ पे आपको दर्शन करने अपनी मनोकामना मांगनी है आप मेरे वीडियो के माध्यम से अपनी मनोकामना मांग सकते हैं तो बाबा आपकी सभी मनोकामना पूरी करें जय बाबा नीमकोली वाले जय कैंची धाम की बजरंग बली महाराज की जय राम राम प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से बाबा आपकी मनोकामना पूरी करें जय कैंची धाम तो ये आप पढ़ लीजिए यहाँ पे सब टाइमिंग वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है मंदिर किस समय खुलता है गर्मियों में और सर्दियों में ये जब सब कुछ और व्यू देखिए बाबा के मंदिर के इधर कितना सुंदर आ रहा है बहुत ही सुंदर जय बाबा जी और छिपरा नदी का बहाव देखो इधर से फोटो खींचने तुम्हारे यहाँ पे खड़े हो जाओ अभी सही है पहले एक्चुअली तुम्हारा ना फेस ना वो थोड़ा सा ये ऊपर भी रेस्टोरेंट है नीचे बाबा जी के आप तस्वीरें वगैरह यहाँ से ले सकते हैं ये भी कुछ पूजा की दुकानें हैं ये इधर भोजन गृह बना हुआ है गाइस ये हमारे होटल से मंदिर का व्यू है बैक साइड का आप देख सकते हैं और अब रात हो चुकी है अंधेरा आप देखिए अंधेरा हो रहा है कल मंगलवार है कल सुबह एक बार फिर से दर्शन करेंगे बाबा के और फिर उसके बाद निकलेंगे वापस दिल्ली के लिए तो दर्शन कर लीजिए जय बाबा नीम करो तो गाय सुबह हो चुकी है सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग चाय आ चुकी है हमारी गर्मा गर्म चाय पीते हैं तैयार होते हैं और चलते हैं सीधा मंदिर की तरफ तो आपको सीधा मंदिर में मिलती हूँ चाय पीने के बाद ये देखिए रूम है हमारा ये चाय तो हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल वेलकम टू माय ब्लॉग्स करिए मंगलवार कैची धाम के दर्शन सुबह सुबह शिप्रा नदी देखिए नीचे बह रही है और ये देखिए करिए बाबा के दर्शन बाबा नीम करौली वाले जय और ये देखिए सुंदर दृश्य तो गाइस मैं मंदिर की तरफ पहुंच चुकी हूँ क्योंकि आज ट्यूसडे है ट्यूसडे के दिन बाबा नीम करौली के दर्शन करने जरूरी थे बिल्कुल रेडी हैं आप देख सकते हैं और अभी आपको बता दूँ कुछ टाइम पहले यहाँ पे विराट कोहली और अनुष्का भी आए थे और एप्पल कंपनी के मालिक की बहुत मानता है कि आप मेरे पीछे दर्शन मंदिर के दर्शन करिए अंदर चलते हैं और उसके बाद हम निकलेंगे सीधा दर्शन करके ब्रेकफास्ट करके दिल्ली के लिए जय बाबा ये आप दर्शन कर लीजिए मंगलवार के अंदर तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कैमरा तो गाइस दर्शन हम कर चुके हैं आप देख सकते हैं पीछे मंदिर आज मंगलवार है तो भीड़ बहुत है तो बस हम दर्शन कर लिए प्रसाद वगैरह सब ले लिया है घर की तरफ चलेंगे दिल्ली की तरफ पहले कर लेते हैं नाश्ता और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर कैची धाम आ रहे हैं मौजे
इस मंदिर से होटल में आ चुके हैं। बैग आप देख सकते हैं बिल्कुल हमारे पैक पैक हो चुके हैं और चलने की तैयारी है। बाहर चलते हैं, थोड़ी देर मार्केट में घूमेंगे, उसके बाद गाड़ी या बस जो भी हमें मिलती है तो हम वो करेंगे और सीधा जाएंगे काठगोदाम। हमारी ट्रेन है वहाँ से शताब्दी 3:15 बजे की, जो कि हमें दिल्ली उतारेगी 9:30 बजे। तो चलिए फटाक से चलते हैं और जय बाबा नीम करौली वाले की, कैची धाम की जय। तो आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट, मैंने मंगाया है डोसा और इधर शर्मा जी ने मंगाए हैं छोले भटूरे, साथ में आएगी चाय। तो चलिए टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है यहाँ के डोसा। लग तो अच्छे रहे गाइस, ये फर्स्ट बाइट। स्टेशन पे पहुंच चुके हैं, ट्रेन हमारी ये मेरे हमारे पीछे खड़ी है, लेकिन बारिश जो है इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम गाड़ी से डरते भीग गए हैं बहुत बुरी तरीके से। और अभी 3:15 बजे की हमारी शताब्दी जो कि सामने खड़ी है, देखते हैं कितने अभी गेट खुलेंगे, इसका गाड़ी में बैठेंगे सीधा आपको दिल्ली में। बारिश आप देख सकते हैं बहुत ही गाड़ी आपको दिखा देती है बारिश, ये देखिए बारिश कितनी तेज आई है। ये है हमारी ट्रेन, तो गाइस ट्रेन के अंदर आ चुके हैं, अपनी अपनी सीट पर बैठे हैं, आप देख सकते हैं तो ये गाड़ी बात हुई है शताब्दी और आपको मैं जरा बाहर का नज़ारा दिखा रहा हूँ काठगोदाम का, वो देखिए व्यू अगर आपको दिख रहा हो तो। आर्टिका आर्टिका ये देखिए पहाड़ का व्यू, बारिश की वजह से मौसम पहाड़ों पर बहुत ही अच्छा हो रखा है, देख सकते हैं। अच्छा अब तो बारिश रुक गई है लेकिन बादल अभी भी काफ़ी हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा हमें लगा, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, काफ़ी अच्छा होटल था। मैं होटल का नाम भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप तो चेक कर लीजिएगा। ठीक ठीक है, तो चलिए बैठते हैं और अपने पहुँचते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं सीधा दिल्ली में जाके।